हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी रसोई में। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ टूटी फ्रूटी की रेसिपी। और इस टूटी फ्रूटी को घर पर आप बहुत आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं, और इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, जिससे कि आप आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जिससे कि आप आसानी से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे तरबूज के छिलके चाहिए। तो आज हम इन्हीं बेकार तरबूज के छिलके से हम बहुत ही बढ़िया रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे तरबूज के छिलके ले लेंगे और इसके जो हरा वाला छिलका है वो हटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने हरा वाले छिलके को हटा दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे जो यहाँ पे लाल लाल पार्ट है इसका, वो भी कट करके निकाल देंगे। सिर्फ हमें वाइट पार्ट चाहिए इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे वाइट पार्ट ले लिया है। तो इसी तरीके से सारे तरबूज के छिलके को हम छील लेंगे और ऐसे वाइट पार्ट कर लेंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक और छील करके आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसका लाल वाला पार्ट देखिए निकाल दिया है। तो इसी तरीके से सारे तरबूज के छिलके को हमें छील लेना है। और यहाँ पे हम इसके ऊपर वाले छिलके को भी हटा देंगे, हरे वाले छिलके को। तो ये बहुत ही जल्दी इजीली हट जाता है छिलके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हटाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने तरबूज के सारे छिलके को छील दिया है, हटा दिया है, और ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आपको कट करके दिखाती हूँ। तो हम इसके पतले पतले स्लाइस कर लेंगे, और पतले स्लाइस करने के बाद हमें इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कितने बड़े पीसेस में कट करना है। आप वीडियो में इसकी साइज़ को देख सकते हैं, कितने बड़े साइज रखना है इसका। तो इसी तरीके से हम सारे तरबूज के छिलके को कट कर लेंगे, और मैं यहाँ पर आपको कट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया है अच्छे से, और ये बाद में सूख करके छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इसी साइज़ के रखने हैं सारे तरबूज के। तो मैंने यहाँ पर सारे तरबूज को अच्छे से कट कर लिया है स्क्वायर शेप में, छोटे छोटे पीसेस में। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हम गैस पे एक बर्तन चढ़ाएंगे और पानी रख देंगे बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पे जो तरबूज के पीसेस को कट किए थे पानी में डाल देंगे, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो एक साथ दो काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 कटोरी चीनी लेंगे और 2 कटोरी इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और गैस ऑन कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे तरबूज में अच्छे से बॉयल आने लगा है। तो इसको हमें थोड़ी देर और पका लेना है। अब हम इसको एक बार बीच में चलाते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर बीच में इसको एक बार चला दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी चाशनी जो हमने रखी हुई थी बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं तरबूज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आने लगा है, और इसका कलर जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो हमें गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी में बॉईल आने लगी है। और इसके बाद मैं यहाँ पर फिर से आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे तरबूज जो है ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद हमें इसको डायरेक्ट चाशनी में डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे सारे तरबूज को चाशनी में डाल दिया है। इसके बाद हम इसको ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको ढक दिया है और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट तक हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तरबूज के पीसेस जो है अच्छे से पकने लगे हैं, और इसको हमें थोड़ी देर और पकाना है। तो फिर से मैंने यहाँ पे ढक दिया है।
जैसे कि मैंने बताया इसको 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट तक हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसको अलग अलग कटोरी में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चार कटोरी में इसको निकाल लिया है, चार कलर के मैं टूटी फ्रूटी बनाकर तैयार करूँगी। तो मैंने इसको यहाँ पे चार अलग अलग कटोरी में निकाल लिया है। इसके बाद हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें रेड फूड कलर ऐड कर दिया है एक कटोरी में। और फूड कलर ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अच्छे से इसमें कलर नहीं आया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें रेड फूड कलर इसमें और ऐड किया है, जिससे कि इसका कलर जो है बहुत बढ़िया आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको इसमें फूड कलर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ग्रीन कलर का टूटी फ्रूटी बनाएंगे। तो मैंने इस कटोरी में ग्रीन कलर का फूड कलर ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कटोरी जो है बहुत गर्म है, तो हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने दूसरे वाले तीसरी वाली कटोरी में पिंक कलर ऐड किया है। सूखने के बाद पिंक और रेड दोनों सेम कलर हो गया था। तो आप चाहें तो सिर्फ एक ही कलर का बना सकते हैं, यहाँ पे थोड़े से ही अंतर है। तो मैंने तीसरी वाली कटोरी में फूड कलर ऐड कर दिया है पिंक कलर। इसके बाद मैंने यहाँ पे चौथी वाले कटोरी में येलो फूड कलर ऐड किया है। और फूड कलर ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको मिक्स करने के बाद हमें इसको लगभग 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 से 2 घंटे तक हो चुका है। आप चाहें तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं इसको इसमें चाशनी में। तो इसके बाद हम इसको फटाफट से छान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे छन्नी लिया हुआ है और इसके बाद हम इसको छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे रेड वाला कलर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने रेड वाले टूटी फ्रूटी को छान लिया है। इसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, जिससे कि इसका पानी जो है निचुड़ जाएगा। इसके बाद हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको एक प्लेट में डाल दिया है और इसको फैला देंगे और इसे हमें पंखे के हवा में सुखा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है। अब हम हरा वाला छान लेते हैं टूटी फ्रूटी। तो मैंने यहाँ पे हरा वाला ले लिया है टूटी फ्रूटी और इसको छान लिया है मैंने। तो इसको भी जैसे कि मैंने पहले वाले को बताया, 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, जिससे कि इसका पानी निकल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको रखे हुए 2 से 3 मिनट तक हो चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको एक प्लेट में डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे से फैला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन वाले को भी अच्छे से फैला दिया है। अब हम यहाँ पे पिंक कलर वाली टूटी फ्रूटी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पिंक वाले टूटी फ्रूटी को भी छान लिया है और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। और 2 से 3 मिनट रखने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल करके फैला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको भी प्लेट में निकाल करके अच्छे से फैला दिया है और इसे पंखे के हवा में सुखाना है, धूप में ना सुखाएं, ये पंखे के हवा में 1 दिन में अच्छे से सूख जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे येलो कलर टूटी फ्रूटी ले लेते हैं और इसको भी हम छान करके 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे। 2 से 3 मिनट रखने के बाद हमें इसको एक प्लेट में अच्छे से फैला लेना है। तो इसको रखे हुए 2 से 3 मिनट तक हो चुका है। इसके बाद हम एक प्लेट में डाल देते हैं और प्लेट में डालने के बाद हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको चारों कलर का दिखाती हूँ टूटी फ्रूटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखने में कितना प्यारा लग रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसके बाद हम इसको 1 दिन के लिए पंखे के हवा में सुखा लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से सूख करके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 1 दिन में अच्छे से सूख करके तैयार हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रेड और पिंक कलर दोनों सेम ही लग रहा है, हल्का सा डिफरेंस है। तो आप चाहें तो सिर्फ रेड या पिंक कलर की टूटी फ्रूटी बना सकते हैं, दोनों में से एक ही। यहाँ पर मैंने बनाया तो हल्का सा डिफरेंस है, दोनों सेम लग रहा है। और आप इसको 5 से 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं देखने में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
तो इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, इससे मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी, जिससे कि आप आसानी से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग रेसिपी के साथ अगली वीडियो में।